अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप सीरीज़ का लेक्चर 7 कर रहे हैं और हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक जो है वो है टाइपोग्राफी। तो इस लेक्चर में जो हम चीज़ें देखने वाले हैं वो है हमारा फ़ॉन्ट और टाइपोग्राफी के ऑप्शंस। उसके बाद से हम एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही एलिगेंट सा एक पोस्टर डिज़ाइन करेंगे, और जो हमारा इस लेक्चर का प्रोजेक्ट है वो है हमारा एक मैगज़ीन कवर डिज़ाइन। तो चलिए हम फोटोशॉप में चलते हैं और ना बाकी की चीज़ें वहीं देखते हैं। तो हम ये फोटोशॉप में आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आपको टाइपोग्राफी करनी है तो आपको सबसे पहले कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपना जो टाइप टूल है जिसका शॉर्टकट आप देख सकते हैं यहाँ टी दिखा रहा है वो आप सेलेक्ट कर लें, और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया कर्सर जो था वो हमारा चेंज हो गया। अब कहीं भी आपको टाइप करना है कुछ चीज़ या टेक्स्ट डालना है तो आप वहाँ पे जाके सिंपली यहाँ इस को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आप, और जो हमारा लाइन है वो ब्लिंक कर रही है। तो मैं यहाँ पे अभी टाइपोग्राफी ही लिखता हूँ, और अगर आप ने जो भी आपको लिखना था वो लिख दिया है, और अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे सेव हो जाए तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट टिक का एरो है तो आप इसे क्लिक कर दें तो फोटोशॉप इस चीज़ को यहाँ पे सेव कर देगा। अब इसे मान लीजिए आप मूव करना है आपको, और बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप में आप कुछ भी लिखेंगे तो वो एक न्यू लेयर पे जो कि हमारी यहाँ पे टेक्स्ट लेयर है उसमें सेव हो जाता है। तो चलिए मैं इसको मूव करता हूँ और इसके फिर हम ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस अगर आपको देखने हैं तो आपको वापस से यहाँ पे आपका टाइप टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैंने वापस से सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा फोटोशॉप जो हमारा ऊपर ऑप्शंस का पैनल रहता है उसमें पूरे के पूरे ऑप्शन हमें देखने लगे हैं। तो मेरी ये वाली लेयर अभी मैंने एक्टिव लेयर है जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, और आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास बस बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है हमारा फॉन्ट का ऑप्शन। तो आप कौन सा फॉन्ट इसमें चूज़ करना चाहते हैं आप वो वाले ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ॉन्ट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। उसके बाद से हमारा यहाँ पे जो वेट है हमारा, या तो फ़ॉन्ट रेगुलर होता है या इटैलिक्स होता है या बोल्ड होता है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा है, ये दूसरा वाला है। तो आप चाहें तो इसे रेगुलर कर सकते हैं या फिर आपका जो भी ऑप्शन है आप वो कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा फ़ॉन्ट के साइज़ का ऑप्शन। आप चाहें तो दो तरीके से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। एक तो आपका ये ड्रॉप डाउन जो बॉक्स है उसमें आप फोटोशॉप कुछ बेसिक इंक्रीमेंट्स में आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए देता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टी बने हुए हैं, आप जैसे ही इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाएंगे तो आपको एक हैंड दिखेगा और उसके दोनों तरफ आपको दो एरोज दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि आप इस अगर यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं और आप किसी भी साइड अपना कर्सर मूव करते हैं तो ये आप फॉन्ट साइज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका ऑप्शन है ये आपका जो भी आपका पैराग्राफ्स हैं या फिर अलाइनमेंट कह लीजिए उस पर काम करता है। तो अगर अभी हमारा सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइंड है तो आपको अलाइनमेंट समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा दो लाइन का सेंटेंस लिख लिया है, और आप देख सकते हैं अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ और मान लीजिए अभी ये लेफ्ट अलाइंड है तो अगर मैं इसको राइट अलाइन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो भी था ये हमारा राइट अलाइनमेंट में हो गया है। और अगर मैं इसको सेंटर अलाइंड या आप सेंटर टेक्स्ट कह लें उसमें कन्वर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो भी अलाइनमेंट है हमारे लाइंस का पैराग्राफ का वो चेंज होता जाता है। तो ये तो हो गया हमारे बेसिक जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं वो। उसके बाद से जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा फ़ॉन्ट के कलर का ऑप्शन। तो आप इस पर क्लिक करके आप जो भी कलर चाहें वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद कुछ ऑप्शंस और हैं, और ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ये हमारा जो टेक्स्ट है उसको वॉर्प करने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए मैं अभी इसके लिए हमारा वापस से अपनी टाइपोग्राफी वाली लेयर पे आ जाता हूँ, और आप ऑप्शंस के लिए मैं वापस इसको अपना टाइप टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा एक नया डायलॉग बॉक्स खुला है जिसमें वॉर्प टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी तरह के स्टाइल हैं हमारे पास, आर्क, लोअर आर्क, और आप जैसा भी चाहें आप वैसा स्टाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप इसको मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आप इसको अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट कह लें या ऑप्शन कह लें, वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा कैरेक्टर और पैराग्राफ का जो पैनल है वो आपको लाना है अगर, तो इसको क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन जो फ़ोटोशॉप के हैं वो जो हमारा कैरेक्टर का पैनल है उसमें आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। इसमें भी जो शुरू के ऑप्शंस हैं वो काफ़ी कुछ सिमिलर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जो पहली चीज़ है वो है हमारा फ़ॉन्ट, और दूसरा हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल है जो भी मैंने अभी बोल्ड इटैलिक्स बताया, फिर हमारा यहाँ फ़ॉन्ट का साइज है यहाँ पे, उसके बाद से जो है वो हमारा वो है हमारी लाइन हाइट, या फिर इसे कहते हैं लीडिंग कहते हैं, टेक्निकल टर्म में इसको लीडिंग कहते हैं, पर ये जो है चीज़ है वो हमारी लाइन हाइट है कि अगर आपने पैराग्राफ में आपकी मान लीजिए दो लाइन है तो उन दोनों लाइनों के बीच का जो हाइट है वो कितना रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना जो हमने पैराग्राफ की दो लाइनें लिखी थी वो हमने सेलेक्ट कर ली है, और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप इसे ऑटो रखते हैं, और चाहें तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं 6 करता हूँ तो आप देखेंगे ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो जो 6 हुआ है वो आप देख सकते हैं, जो हमारा नीचे वाली लाइन थी वो ऊपर चली गई है। अगर मैं इसे और चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा जो भी डिस्टेंस है दोनों लाइनों के बीच का वो बढ़ रहा है, या आप कह सकते हैं जो लीडिंग है हमारे लाइंस की वो बढ़ रही है। इसके बाद का जो हमारा ऑप्शन है वो कहलाता है कर्निंग, या फिर हमारा जो भी दो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए आप सबसे पहले तो जो भी आपको जिन भी दो कैरेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस बदलना है आप वहाँ बीच में क्लिक करें, और आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी डिस्टेंस है एच और वाई का, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया आपका कर्निंग। इसके बाद का जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा जो कैरेक्टर की लीडिंग कहलाता है, या फिर आगे जो हमारा इसके जो कैरेक्टर आएगा वाई के आगे, अगर मान लीजिए हम कुछ कैरेक्टर लिखते हैं तो वो कितनी दूरी पे आए, तो वो जो ऑप्शन रहता है वो होता है लीडिंग का। तो मान लीजिए उसके लिए मैं सबसे पहले मैं वाई को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं इसकी लीडिंग जो है वो थोड़ी सी 100 मान लीजिए 100 कर लेता हूँ, या इसे थोड़ा सा और एग्जैजरेट करते हैं हम 200 कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो भी हमारा डिस्टेंस था वो आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स में ये बढ़ गया, और इसका मतलब ये है कि अगर मैं वाई के बाद अपना कर्सर ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट हमारा साइज था या डिफ़ॉल्ट हमारा स्पेसिंग थी वो ना फॉलो करके जो हमने अभी इसकी जो लीडिंग दी है वो फॉलो कर रहा है। तो अगर अब यहाँ पे मैं कुछ भी और लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं वो जितना हमने सेट किया है वो उतने ही दूरी पे लिखना शुरू कर देगा। तो ये हो गई हमारी लीडिंग। अब मैं इसे वापस 0 पे सेट कर लेता हूँ। तो ये हो गए हमारे जो भी हमारे मेन ऑप्शंस थे, ये वो चीज़ें हैं, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है हम आपका वो हम देखते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा वो जो वर्टिकल स्केल कहलाता है, या फिर आपका जो भी फॉन्ट है वो वर्टिकली कितना लंबा है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसे छोटा भी कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है आपका हॉरिजॉन्टल स्केल, तो आप इसे हॉरिजॉन्टली बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा यहाँ पे फिर से कलर है आपका, और नीचे कुछ और ऑप्शन हैं हमारा, एक तो है हमारा कि ये फॉक्स बोल्ड करने के लिए, तो अगर आपका मान लीजिए कोई ऐसा फॉन्ट है जो
बोल्ड नहीं है, जिसका बोल्ड का ऑप्शन है ही नहीं, तो आप चाहें तो उसको भी बोल्ड फोर्स कर सकते हैं बोल्ड करने के लिए, तो आप ये दबा सकते हैं फॉक्स बोल्ड का ऑप्शन। उसके नेक्स्ट जो है वो है फॉक्स इटैलिक, सेम वही चीज़। अगर आपका कोई फॉन्ट है जो इटैलिक साइज़ में नहीं है तो फोटोशॉप उसे फोर्स करेगा कि वो इटैलिक्स में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद से जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑल कैप्स का। तो मान लीजिए ये जो हमारा ऊपर वाला अभी पैराग्राफ है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर इसमें मैं ऑल कैप्स का ऑप्शन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा कैरेक्टर्स थे, जो छोटे कैरेक्टर्स थे, वो भी पूरे के पूरे हमारे बड़े हो गए हैं, या फिर पूरा का पूरा जो हमारा पैराग्राफ है वो कैप्स में हो गया है। तो इसके बाद का जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा, या तो आप सुपर स्क्रिप्ट या फिर सबस्क्रिप्ट आप डाल सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि आपको लिखना है कि मान लीजिए आपको 10 डिग्रीज लिखना है, तो आपने यहाँ 10 लिखा और मैं यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दूंगा। तो मान लीजिए अगर आपको ये ज़ीरो को ऊपर ले जाना है, जैसे कि हम डिग्री में लिखते हैं, तो आप इसे क्लिक सेलेक्ट करके आप जैसे ही आप ये दबाएंगे सुपर स्क्रिप्ट का, तो ये ज़ीरो को ही फोटोशॉप एज अ सुपर स्क्रिप्ट ट्रीट करने लगेगा। और सेम ऐसे ही अगर आपको वो नीचे चाहिए तो आप इसे सबस्क्रिप्ट बना सकते हैं। उसके बाद से आपका ऑप्शन है कि आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे टाइपोग्राफी के कुछ बेसिक ऑप्शन। और इसके बाद से अब हम हमारा जो पोस्टर डिज़ाइन है वो करते हैं। जो हमारी मेन देखने वाली चीज़ें थी कैरेक्टर डिज़ाइन के लिए वो सिर्फ इतनी ही थी। और इसके बाद से जब हम कुछ पैराग्राफ लिखेंगे तो हम पैराग्राफ के भी जो ऑप्शन हमने यहाँ देखे थे, वो ही जो तीन ऑप्शन है वही कुछ ऑप्शन यूज़ होते हैं जो हमारा अलाइनमेंट का है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन का। तो चलिए अब हम अपना पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, और फिर हम उसके बाद से जो हमारा प्रोजेक्ट है इस बार का, हमारा मैगजीन डिज़ाइन का, हम वो देखते हैं। अब हम अपना जो पोस्टर डिज़ाइन था हम वो करने वाले हैं। और इस पोस्टर डिज़ाइन का जो आइडिया है वो है हमारा, हम एक ऐसे कॉन्सर्ट का मॉकअप पोस्टर बना रहे हैं जो हम कोई सा भी नाम दे सकते हैं उसे। हमारा यहाँ मेन चीज़ ये है कि हम कुछ फॉन्ट अलग अलग तरीके के यूज़ करके और अलग अलग उसको अलाइनमेंट करके हम एक थोड़ा सा विजुअली इंटरेस्टिंग एक पोस्टर टाइप डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, और ये इमेज एक फ्री स्टॉक इमेज है, और ये जो साइट है मैं आपको वो बता देता हूँ, आप वहाँ से काफ़ी अच्छी स्टॉक इमेज ले सकते हैं फ्री की, और आप उसको बिना किसी कॉपीराइट के आप यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो उस साइट का नाम मैं इस लेक्चर में नोट्स के उसमें भी डाल दूंगा, और उसका जो साइट का नाम है वो है pexels.com, pexels.com। तो आप चाहें तो स्टॉक इमेजेस के लिए वो साइट रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपने इस जो भी इमेज है इसको थोड़ा सा पोस्टर का आप कह सकते हैं, मतलब पोस्टर के फॉर्मेट में क्रॉप कर लेते हैं। तो वो करने के लिए मैं अपना क्रॉप टूल ले लेता हूँ, और आप देख सकते हैं ये जो ये हमारी वाइट स्पेस है यहाँ पे या ब्लैंक स्पेस है, हम इसको यूज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ क्रॉप कर देता हूँ, और अब हम जो भी लिखने वाले हैं इसमें हम ये जो हमारा यहाँ पे नेगेटिव स्पेस है या ब्लैंक स्पेस है हम इसमें लिखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ अपना टाइप टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सबसे पहले तो यहाँ पे हमें करना ये है कि हमें जो भी कॉन्सर्ट का नाम है या बैंड का नाम है हम वो लिखते हैं। हम यहाँ कोई भी अभी नाम आप चूज़ कर सकते हैं। तो वो लिखने के लिए चलिए यहाँ पे मैं कुछ अच्छे फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो अगर आपको फ़ॉन्ट ये कुछ फैंसी फ़ॉन्ट या अच्छे फ़ॉन्ट चाहिए तो आप एक वेबसाइट है बहुत फेमस, dafont.com करके, DAFONT.com करके, तो आप वहाँ जाके काफ़ी अच्छे फ़ॉन्ट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक जो मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड कर रखा है मैं वो यूज़ करता हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ लिख दिया है, और अब क्योंकि जो हमारा फॉन्ट स्टाइल हमने पहले छोड़ा था फोटोशॉप वो वापस से अप्लाई कर देता है, जो हमने लास्ट सेटिंग छोड़ी थी वही की वही आप फोटोशॉप वापस से ले लेता है। तो चलिए हम इसे यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, और हम यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं।
चलिए यहाँ पे मैंने इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया। आप चाहें तो अपना फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो आप ट्रांसफॉर्म से भी इसे घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पे इसे रख दिया। अब जो हमारा जो टाइपोग्राफी का जो बेसिक रहता है वो होता ये है कि हम कुछ अलग अलग तरीके के फॉन्ट यूज़ करते हैं। तो आप अगर फॉन्ट टाइपोग्राफी ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके कुछ टाइप हैं फॉन्ट्स के, कुछ जो कैटेगरीज हैं जिनको सेरिफ फॉन्ट या सेंस सेरिफ बोलते हैं या कुछ स्क्रिप्ट फॉन्ट बोलते हैं। ये जो यहाँ फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्क्रिप्ट फॉन्ट कहलाता है। तो अभी मेन समझने की बात ये है कि अगर आपको कुछ विजुअली अच्छा बनाना है तो आप इसके लिए एक बेसिक चीज़ ये है कि आप अलग अलग टाइप के फॉन्ट आप मिक्स एंड मैच करें। तो यहाँ मान लीजिए मैंने एक अभी थोड़ा सा स्क्रिप्ट वाला फॉन्ट यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे कुछ सैंस सेरिफ फॉन्ट जो कि बहुत ही सिंपल रहते हैं और जिनकी एजेस शार्प नहीं रहती हैं वो वाले फॉन्ट हैं। इसके बारे में डिटेल में आप चाहें तो ऑनलाइन काफ़ी अच्छी अच्छे रिसोर्सेस हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए कुछ चीज़ें लिख देता हूँ और अभी मैं यहाँ पे फॉन्ट जो है वो चेंज करके कुछ सिंपल सा फॉन्ट रखता हूँ। तो मैंने ये फॉन्ट अपना चेंज कर दिया। अभी मैं जो भी हमने चेंजेस किए थे वो मैं सारी चेंजेस बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है हम वही वापस कर दे रहे हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो जैसा हम चाहते हैं वैसा का वैसा ही आए। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कैचर्स लाइव लिखा है और आप देख सकते हैं ये इतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है अभी। तो इसको डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करना चाहें तो इसका हम जो साइज़ है फ़ोन का हम वो उसे छोटा कर देते हैं पहले तो। और अब हम चाहें तो इसके जो दो कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर्स के बीच का स्पेसिंग है हम वो बढ़ा सकते हैं। तो स्पेसिंग बढ़ाने के लिए हमारे पास ये हमारा ऑप्शन है, आप यहाँ जाके स्पेसिंग इसकी बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी ये स्पेसिंग बढ़ा दिया और मैं अब इसे अलाइन कर देता हूँ कि जो भी हमारा यहाँ बैंड का नाम है जस्ट इसके ऊपर रहेगा ये। और यहाँ पे चीज़ ये हो रही है कि जो हमारा बैकग्राउंड है उसमें ये फ़ॉन्ट काफ़ी कुछ इसका जो कलर है वो ब्लैक होने की वजह से ये उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है हमें अच्छा। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम इसका कलर चेंज करके वाइट कर देते हैं और इसका जो नीचे पैसेंजर हमने लिखा है हम इसका भी कलर वाइट कर देते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और हम इसकी आजू बाजू हम कुछ लाइंस डाल सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा ग्राफिकल दिखने लगे। तो वो डालने के लिए मैं अपना यहाँ पे जो रेक्टेंगल टूल है वो यूज़ कर रहा हूँ। और अभी मैंने रेक्टेंगल टूल बना दिया और हमारे जो ऑप्शन है उसमें हमारा जो फिल का ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं कि ये नन पे है। तो मैं इसे फिल को वाइट कर देता हूँ और जो हमारा स्ट्रोक है मैं इसको नन कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक लाइन बना दी। इसको डुप्लीकेट करने के लिए अगर मेरे को इस तरफ भी ये लाइन अगर चाहिए तो इसको डुप्लीकेट करने के लिए आप इस पर सिंपली जाके कंट्रोल जे दबा सकते हैं जिससे कि ये जो भी आपका लेयर रहेगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे डुप्लीकेट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली क्लिक करके ड्रैग करिए इस न्यू लेयर के आइकन पे और इसे छोड़ दें। तो आप देख सकते हैं कि ये एक इसकी कॉपी बना देगा और मैं इसे अब सिंपली इसे मूव कर लेता हूँ।
तो ये मैंने मूव कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये लाइन बना के थोड़ा सा इसमें ग्राफिक एलिमेंट डाल दिया है। ये हम इसमें हमारा जो भी वेन्यू का डिटेल है हम वो ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं अब जो भी मैंने लिखा फोटोशॉप में, जो भी हमने फॉन्ट में चेंजेस किए थे या ऑप्शन चेंज किए थे, वो सारे के सारे अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। और इस वजह से हमारा जो भी हम नया लिखेंगे वो उसी स्टाइल में आएगा। तो चलिए इसको वापस रीसेट कर देता हूँ मैं। यहाँ कुछ डिटेल्स और ऐड कर दी, और इन डिटेल्स को मान लीजिए, क्योंकि हम सारी चीज़ें अभी सेंटर अलाइन में कर रहे हैं, तो हम जो हमने वेन्यू और टाइमिंग लिखी है हम इसे भी चलिए सेंटर अलाइन कर देते हैं। और इसका जो फॉन्ट साइज है हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो कुछ पार्ट है हमारा ये माइक से ओवरलैप हो रहा है, और इस वजह से ये इतना अच्छा शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम इसके लेयर स्टाइल में जाने के लिए हम इसको डबल क्लिक कर सकते हैं। जो भी हमारा ब्लैंक एरिया हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इसके लेयर स्टाइल में आ जाएंगे, और हम इस पर एक ड्रॉप शैडो अप्लाई कर देते हैं कि इसके जो भी नीचे रहेगा वो एक ड्रॉप शैडो बन के हमारा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले से ज़्यादा विजिबल हो गया है। तो ये हमारा, हमने जो भी वेन्यू और टाइमिंग की डिटेल्स थी वो डाल दी हैं। और अब इसके बाद से हम कुछ चीज़ें और कर देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपको यहाँ पे एंट्री की डिटेल्स या एंट्री फीस या फिर आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है आप वो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उस वो करने से पहले हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं अपनी। तो ये वेन्यू डिटेल्स हम इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, और हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो एक चीज़ हम ये ऐड कर सकते हैं कि हमारी जो डॉटेड लाइंस रहती हैं हम वो ऐड कर सकते हैं, वो विजुअली काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो वो ऐड करने के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ जो कि बहुत ही ईजी है। वो करने के लिए हम अपना जो भी ब्रश टूल है हम वो यूज़ करेंगे। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रश ले लें और एक न्यू लेयर बना लें। इसके बाद से आप ब्रश का जो हार्डनेस है वो अपना पूरा 100% कर दें, और जो साइज़ है आप वो अपने साइज़ के हिसाब से छोटा कर लें। अब आपको सबसे पहले तो यहाँ ब्रश के ऑप्शंस में जाना रहेगा। तो आपका जो भी ब्रश का पैनल है आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका ये आइकन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्रश का पैनल खोल देगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें हमें एक बस ऑप्शन चेंज करना है जो कि है स्पेसिंग। तो अगर आप स्पेसिंग को ये बढ़ा देते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो भी ब्रश है हमारा वो यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है। और एक बार अगर आपने ये चेंज कर दिया उसके बाद से आपको एक ब्रश को एक सीधी लाइन में चलाना है। और वो करने के लिए आप कर ये सकते हैं कि आप कहीं भी एक स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करें, और उसके बाद से आप शिफ्ट प्रेस करके जहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप फोटोशॉप एक लाइन बना देगा वहाँ तक के लिए। तो ये तो उतनी सीधी नहीं है, तो मैं आप फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लाइन बना ली है, और क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक था तो मैं अगर मैं इसको वाइट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली चाहूँ तो इस जो भी हमारी लेयर है इसका कलर को इन्वर्ट कर सकता हूँ। वो करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है हमारा कंट्रोल आई, और जैसे ही मैंने इन्वर्ट किया आप देख सकते हैं कि जो भी कलर थे हमारे वो इन्वर्ट हो गए और वाइट हो गया हमारा ये। तो ये हो गया हमारा जो भी हमारा डॉटेड लाइन थी वो आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ कुछ छोटी सी चीज़ें और ऐड कर लेता हूँ।
इसके बाद से हम इसमें अपना कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ये डमी टेक्स्ट लॉरम इप्सम कहलाता है। तो अगर आप कुछ मॉकअप बना रहे हैं और आपके पास रियल कुछ लिखने का नहीं है, तो आप चाहें तो इससे इंटरनेट से कॉपी कर सकते हैं और आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अभी तक तो आपने देखा कि आप कहीं भी अगर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी बॉक्स के अंदर या किसी पैराग्राफ के अंदर लिखना है, तो आप यहाँ सिंपली इसे क्लिक करके ड्रैग कर लें और जितना बड़ा बॉक्स आपको बनाना है आप उतना बड़ा बना सकते हैं। और आप जैसे ही छोड़ेंगे तो ये बॉक्स के जो भी आप लिखेंगे इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा। तो मैंने वो कॉपी कर लिया था और मैं सिंपली इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा कंटेंट था वो तो आ गया है, पर जो भी हमारा स्टाइल था वो जो भी हमारा पुराना हमने छोड़ा था वही अप्लाई हुआ है। तो मैं इसे रीसेट कर देता हूँ सबसे पहले तो, और मैं इसका फॉन्ट चेंज करके कुछ सिंपल सा फॉन्ट कर देता हूँ। और अगर आप चाहें कि आपको एक एक करके ये रीसेट नहीं करना है, तो आप सिंपली इसे यहाँ क्लिक करें और रीसेट कैरेक्टर कर दें। तो ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा जो आपका ऑप्शन है कैरेक्टर का वो रीसेट होके बाय डिफ़ॉल्ट जो फोटोशॉप का ऑप्शन रहता है वो हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जो भी हमारा डमी टेक्स्ट था वो डाल दिया है, और इसका भी कलर हम चलिए वाइट कर देते हैं या थोड़ा सा ग्रेश कर देते हैं कि ये दिखने चालू हो जाए। और हम इसका जो अलाइनमेंट है हम वो देखते हैं। अब हम इसे सेंटर अलाइन कर देते हैं या फिर हम इसे जस्टिफाइड कर देते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा बॉक्स एज अ बॉक्स टाइप दिखने लगे। तो ये तो हो गया हमारा डमी टेक्स्ट कि अगर आप कोई एरिया फिल करना चाहते हैं तो आप उसे डमी टेक्स्ट से फिल कर सकते हैं। हम इसका कलर थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखने लगे। इसके बाद से जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा एंट्री कहाँ से होगी या फिर हमारा मान लीजिए एंट्री फीस। और हम यहाँ पे अपना कुछ बारकोड ऐड कर देंगे जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आप मोबाइल से स्कैन करके पा सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पे फिर से अपना टाइप टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट लिख दिया और इसका मैं साइज़ यहाँ से बढ़ा देता हूँ और इसका भी हम फॉन्ट कुछ अच्छा सा चेंज कर देते हैं। और इसका जो कलर है हम वो वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना जो भी टेक्स्ट था वो कुछ इस टाइप से रख दिया। और हम करने यहाँ ये वाले हैं कि हम जो एंट्री फी थी हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं, या आप चाहें तो ओपेसिटी ना कम करना चाहें तो आप इसका कलर सिंपली थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं या थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं कि ये आपको समझ में या फिर जो भी ये पोस्टर देखेगा उसको ये समझ में आ जाए कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या सेपरेशन है। तो आप ऐसे फॉन्ट को अपना अलाइनमेंट चेंज करके या अलग तरीके से फॉन्ट को प्लेस करके थोड़ा सा इसमें स्टाइल दे सकते हैं या थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे भी अलाइन कर लेते हैं। और इसके बाद से हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और करते हैं कि टिकट बुकिंग, अगर जो भी टिकट बुकिंग के हम यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस डाल देते हैं। तो चलिए तो ये हमने यहाँ पे कुछ और डायरेक्शंस डाल दिए। और यहाँ पे ये मैं करने ये वाला हूँ कि जो हमारा ऊपर का टू बुक योर टिकट्स वाली लाइन है मैं इसे फॉन्ट इसका थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये हमारा माइक के ऊपर ओवरले ना जाए। और ये जो हमारा बुक माई शो है वो उसे भी मैं थोड़ा
थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मैं दोनों का फॉन्ट साइज इतना ही चेंज कर रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों जो भी सेम डिस्टेंस में रहें या सेम जो इनकी लंबाई है लाइंस की वो रहे। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ तो कर दी, और इसका भी आप कलर चेंज करके प्योर ब्लैक से थोड़ा सा डार्क कर लें या ग्रे कर लें। आप चाहें तो जो ऊपर वाला आपका टू बुक माई शो का लाइन है, आप उसका फॉन्ट भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका फॉन्ट चेंज करके कुछ बहुत ही सिंपल और बहुत ही पतला सा कोई फॉन्ट जो आपका है वो कर देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हैवी ना दिखे। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, और चाहें तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी थीम चल रही है वो हमने यहाँ पे डार्क के साथ वाइट मैच किया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद से क्योंकि हमने यहाँ फ़ॉन्ट चेंज किया, तो ये जो हमारा इसका जो भी लेंथ थी वो चेंज हो गई है। तो हम जो हमारा बुक माई शो वाला लाइन है, हम इसका भी साइज़ थोड़ा सा और चेंज करके इतना करेंगे कि ये मैच हो जाए, दोनों की लंबाई मैच हो जाए। तो ये हो गया हमारा, जो हमको लाइन ऐड करनी थी वो हमने ऐड कर दी। तो यहाँ पे मेरे पास हमारा जो भी हार्ड रॉक कैफे का जो लोगो है वो है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, और मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आप चाहें तो इसे ऊपर, आई थिंक ये ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं इसे ऊपर डाल देता हूँ। और मैं इसका भी सेम जो कलर था वो इन्वर्ट करके वाइट कर देता हूँ। इसके बाद से जो हमारा यहाँ नीचे का स्पेस है, हम इस स्पेस में अपना एक बार कोड ऐड करेंगे कि अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन से स्कैन करके जो भी इन्फॉर्मेशन है या फिर जो टिकट बुकिंग की साइट है आप वहाँ जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक डमी बार कोड ऐड करते हैं, और उसके आगे हम कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि हमने अपनी डमी टैग्स में ऐड की थी वैसे ही ऐड कर देंगे। तो चलिए हम पहले बार कोड ले आते हैं। तो चलिए हमने अपना जो बार कोड था या क्यूआर कोड था हमने वो ले आया। अब हम इसे अपने जो भी डॉक्यूमेंट है हम इस पे इसे डाल देते हैं। तो ये वो आ गया हमारा कोड, और आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो कोड है इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। तो आप इसके लिए कर ये सकते हैं कि आप सिंपली इसका जो ब्लेंड मोड है इसे आप चाहें तो डार्केन कर सकते हैं। अगर आप जैसे डार्केन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा वाइट बैकग्राउंड था वो चला गया। उसका रीज़न ये है कि अगर आप डार्केन किसी भी लेयर का ब्लेंड मोड डार्केन पे कन्वर्ट करते हैं, तो होता ये है कि उस लेयर में जो भी डार्क एरिया रहता है या उस लेयर में जो भी डार्क एरिया है जो कि उसके नीचे वाली लेयर से ज़्यादा डार्क है, सिर्फ वही बचता है, और जो भी बाकी के लाइट कलर हैं वो सारे के सारे फोटोशॉप हाइड कर देता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा नीचे हमारे जितने भी चीज़ें हैं वो सब के सब ब्लैक से लाइट हैं। तो इसलिए हुआ ये कि जो भी हमारा क्यूआर कोड का जो लेयर है उसमें हमारा जो भी डार्क एरिया था ब्लैक का पूरा शो हो रहा है, और बाकी जो ब्राइट एरिया था वो हमारा हाइड हो गया। तो चलिए हम इसे भी अपना कंट्रोल टी दबा के यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और अगर आप चाहें कि आप इसको प्रॉपर रेशो में छोटा बड़ा करें, तो आप उसके लिए शिफ्ट प्रेस करके रख सकते हैं, और आप जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर रेशो में हमेशा ट्रांसफॉर्म होगा। तो यहाँ मैं अपना क्यूआर कोड ऐड कर देता हूँ, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे अपना वापस से कुछ डमी टैग्स डाल देता हूँ। यहाँ पे जब मैंने अपना डमी टेक्स्ट ऐड कर दिया, और आप चाहें तो इसको ओपेसिटी थोड़ी सी घटा सकते हैं ताकि ये उतना ज़्यादा ब्राइट ना दिखे। तो लगभग लगभग हमारा ये जो पोस्टर था वो तैयार हो गया है। आप और जो भी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, आप अगर अपना कुछ
ऐसा आप पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, और अगर उस जो भी बाकी डिटेल्स ऐड करना चाहें तो आप इसी टाइप से सारी की सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। और आप हमारा पोस्टर देख सकते हैं कि ये तैयार है, और चाहें तो आप ऐसा पोस्टर बना के अपने एज अ मॉकअप बना के अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा आप इससे अपना पोर्टफोलियो पीस बना सकते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट चीज़ करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अपना जो प्रोजेक्ट है इस लेक्चर का वो बनाएंगे, और उसमें हम थोड़ा सा जो भी टफ़ चीज़ है हम वो करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ये है कि हम एक मैगज़ीन कवर डिज़ाइन करने वाले हैं, और मैगज़ीन कवर डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक ऐसी फ़ोटो सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो A4 साइज़ या हमारा जो भी A4 साइज़ में क्रॉप की जा सके, और उसके बाद से हमें ऐसा कुछ फ़ोटो लेनी है जिसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस रहे या आजू बाजू उसमें थोड़ी स्पेस रहे, ताकि हम जो भी हमारा कंटेंट है या टेक्स्ट है हम वो इजीली डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी नेक्स्ट जो दिखाने वाला हूँ वो हमारा प्रोजेक्ट में हम एक मैगज़ीन कवर डिज़ाइन करने वाले हैं, तो चलिए हम वो देखते हैं।